हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष। कैसे आप सब लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे करैक्टर के बारे में जिसके बारे में लगभग सभी लोगों को पता ही होगा और इसको बचपन में सभी लोगों ने देखा ही होगा, जो कि डोरेमोन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डोरेमोन किस हद तक सच है। डोरेमोन की शुरुआत 2 अप्रैल 1979 को जापान में हुई थी। जो कि इस कार्टून को बनाने वाली शख्सियत थी उसका नाम फुजिको है, जो कि जापान का नागरिक था। अगर आप जानना चाहते हैं कि डोरेमोन किस हद तक सच है, तो हम आपको बता दें कि डोरेमोन काफी हद तक सच है, लेकिन कैसे, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सच कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ कार्टून है। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इस शो में नोबिता होता है उसके ही जैसा एक सेम लड़के की जिंदगी को देखकर इस शो को बनाया गया है। इस शो में जिसका करैक्टर नोबिता ने लिया हुआ है, उस लड़के को स्किजोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी में इंसान के सोचने और महसूस करने और बिहेवियर में भी बदलाव आने लगता है, और इससे अलावा इंसान मानसिक कंट्रोल भी खोने लगता है, जिसके कारण वह लड़के को उसके स्कूल के फ्रेंड्स और क्लासमेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह उस बीमारी से पीड़ित था और वह सभी डरते थे कि यह हमारा नुकसान करवा देगा। यही सब बातों को ध्यान में रखकर इस शो की शुरुआत हुई थी और उस लड़के के करैक्टर की जगह नोबिता को रखा गया था। लेकिन डोरेमोन इस दुनिया में असल में नहीं है, वह सिर्फ रोबोट। इस शो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई आपका ऐसा दोस्त जो कि आपको हर एक मुश्किल से बचाए और आपके साथ हमेशा रहे। ये कार्टून्स एनिमेटेड थे, जो कि पब्लिक में आने के बाद इतने फेमस हो गए कि इसने और सभी शोज को पीछे छोड़ दिया। इस शो में कहीं ना कहीं बच्चे नोबिता की जगह खुद को देखते हैं और डोरेमोन जैसा दोस्त चाहते हैं। ये कार्टून्स पहले सिर्फ जापान में ही थे। फेमस होने के कारण इस एनिमेटेड कार्टून्स को इंडिया में देखना भी शुरू कर दिया गया। अगर हम एक बार करेक्टर्स पर नजर मारें तो जो सुनियो है उसको एक बहुत ही अमीर और लग्जरी लाइफ दिखाया गया है, और ज्ञान को एक ताकतवर और सभी बच्चों को पीटने वाला एक रिंग लीडर दिखाया गया है, और डेगिसुगी को एक स्मार्ट बॉय और सिजुका को एक प्रीटी गर्ल और इंटेलिजेंट गर्ल दिखाया गया है। आप सबको पता ही होगा कि जब हम छोटे या फिर अभी भी आप छोटे हो तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो कि सुनियो की तरह अमीर और शो ऑफ करता होगा, और ऐसा भी होगा जो कि ज्ञान की तरह होगा और सभी बच्चों को पीटता होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं शिनचैन पे। क्या शिनचैन असली में है? उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।